ये करवाने वाली है अरमान और आसमा का डाइवोर्स। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमदिंग देखने को मिलेगा उदाजा का, और साथ ही साथ आपको ट्विस्ट बना भी देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड। और वही एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली आलिया करवाने वाली है आसमा और अरमान का डाइवोर्स। जी हाँ, वेल दोस्तों, बच्चे यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने मुझे मिलेगा कि फाइनली जो आसमा को थी ढोल बजाते हुए फाइनली वो अरमान के घर पे पहुंचती है। जी हाँ, अरमान के घर पे ढोल बजाते हुए पहुंचती है और सभी के सभी घर वाले आसमा को देखकर चौंक जाते हैं। जी हाँ, वेल चौंक भी जाते हैं और खुश भी होने लग जाते हैं। खुश इसलिए होते हैं क्योंकि आसमा ठीक हो गई होती है, उनको ऐसा लगने लग जाता है। जी हाँ, तो वही तरफ जो आसमा होती है वो अपनी परेशानी बताने लग जाती है, वो भी एक एक्टिंग होता है। जी हाँ, वो बताने लग जाती है कि मैं अभी टेम्पररी ठीक हुई हूँ, वेल एक दिन के लिए या फिर दो दिन के लिए मैं ठीक हुई हूँ, वेल मैं फिर से वैसे ही हो जाऊँ, मैं प्रॉपर एकदम ठीक नहीं हुई हूँ। जी हाँ, और मैं ये चाहती हूँ जब तक मैं ठीक हूँ मैं आलिया और अरमान की शादी करा दूँ। जी हाँ, वेल मैं यही चाहती हूँ, वेल मैं अपने बच्चों की खुशी देखना चाहती हूँ, मैं बच्चों की खुशी के लिए मैं आलिया और अरमान की शादी कराना चाहती हूँ। जी हाँ, और वही एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि ये खबर सुनने के बाद सभी के सभी घर वाले एकदम शॉक में पड़ जाते हैं, और वही एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो आसमा होती है वो अरमान को मनाने लग जाती है और अरमान मान जाता है। और वही तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो आलिया होती है फाइनली वो अपने कमरे में जाती है, अपने कमरे से कुछ पेपर्स वगैरह ले आती है। पेपर्स वगैरह ले आने के बाद फाइनली वो आलिया और आसमा और अरमान को बोलने लग जाती है कि अगर तुमने ये फैसला ले ही लिया है तो तुम्हारा डाइवोर्स भी तो हो जाना चाहिए, वेल मेरे और अरमान की शादी के लिए तुम दोनों का डाइवोर्स होना भी तो जरूरी है। जी हाँ, ये सुनने के बाद सभी के सभी घर वाले और साथ ही साथ आसमा और अरमान भी शॉक में पड़ जाते हैं। जी हाँ, वेल दोस्तों, अब देखने ये होगा कि क्या अरमान दे देगा आसमा को डाइवोर्स इस प्लान के लिए। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और किसी टाइप का क्वेरी वगैरह हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सो बाय।